हेलो गाइस, क्या हाल चाल। हम लोग आ चुके हैं वापस से एक और सिटी स्काइलाइन टू के एपिसोड के साथ में। सो गाइस, फाइनली अपनी सिटी के अंदर पॉपुलेशन हो चुकी है 18,000 और आज अपन अपनी सिटी को करने वाले अच्छा खासा इंप्रूव, क्योंकि लास्ट टाइम अपन ने अपनी सिटी के अंदर मेट्रो सर्विस जो स्टार्ट करवा दी थी, जो कि तुम्हारे सामने वाइज चली रही है और मैं यहाँ पर बैठ के थोड़ा व्यू का इंजॉय कर रहा हूँ। और गाइज, रिसेंटली सिटी स्काइलाइन टू के अंदर एक पैच भी आया है और न्यूज़ भी आई है कि जल्दी कंटेंट पैक्स भी आने वाले हैं, तो देखते फिर आते तब। बाकी बहुत सारे बग फिक्सेस वगैरह वो सब हो चुके हैं और आज अपने को चल के अपनी सिटी को और भी ज़्यादा इंप्रूव करना है। तो भाई चलते हैं, देख लो भाई 18-19,000 पॉपुलेशन अपनी होने ही वाली है सिटी के अंदर, तो काफ़ी उस समय। तो अगर तुम लास्ट वाले एपिसोड नहीं देखा तो भाई मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जाके देख लेना, क्योंकि ये वाला जो कम्प्लीट मेट्रो सिस्टम है अपना, ये वाले लास्ट वाले एपिसोड के अंदर डिज़ाइन करा एकदम स्मूथ, जहाँ पर अपनी मेट्रो चल रही है भाई, ठीक है ना। और साथ ही साथ गाइज, आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना तो बोलना नहीं है, लाइक कर देना फटाफट से। अभी रिसेंटली ना सिटी स्काइलाइन टू के अंदर पैच आया और उसके अंदर जो बग आ रहा था ना पहले कि होमलेस वाला जो कि नहीं जा रहा था, जो उन्होंने लास्ट टाइम फिक्स कर रहा था लेकिन वर्क नहीं कर रहा था, वो अभी फिक्स हो गया। पहले सिटी के अंदर अपनी बहुत सारे कमर्शियल बिल्डिंग जो अपन बना रहे थे वहाँ पे होटल्स नहीं बन रहे थे, तो उनका भी उन्होंने फिक्स करा है, तो वो भी सब भी आज अपन चल के देखेंगे। प्लस सिटी के अंदर जो अपनी सर्विसेज है उनको आज अपने को इम्प्रूव करना है, और साथ ही साथ अपनी सिटी के अंदर ना हाई डेंसिटी वाली जो है कमर्शियल बिल्डिंग्स वो अनलॉक हो चुके हैं, तो बहुत सारे एरिया मेरे को हाई डेंसिटी में कन्वर्ट करने का है। और दूसरा, तुमको आज थोड़ा गेम बेटर दिख रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे नया मोड इंस्टॉल कर लिया है लुमिना करके, ये वाला मोड, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने थोड़ी सेटिंग्स वगैरह चेंज करके थोड़ा सा जो है गेम को अभी बेटर कर दिया है। दूसरा, वोटर विजुअल्स का मैंने एक मोड इंस्टॉल करा है जिससे कि अपना जो वोटर है इसका कलर चेंज हो जाता है, तो अभी सिटी दिखने में काफ़ी बेटर लग रही है भाई। पता नहीं अपडेट आने के बाद में गेम क्रैश हो रही बार बार, तो चलो देखते हैं कि जो है भाई ये वाला अपना कैसा जाता है, ठीक है ना, आज का अपना एपिसोड। सो चलो फिर शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो गाइज, सबसे पहले जो अपन शुरुआत करने वाले वो है अपनी सिटी के अंदर जो सर्विस है ना वहाँ से, फिर धीरे धीरे करके अपन उस हिसाब से सिटी को एक्सपेंड करने वाले, ठीक है। मेरे पास काफ़ी सारे प्लान्स है, तो अपन सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं गाइस, हाई स्कूल पे। तो हाई स्कूल पे अपन चलेंगे तो यहाँ पे देखो गाइस, कैपेसिटी 800 की थी अपनी और 795 यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, तो डेफिनेटली गाइस यहाँ पे अपग्रेड तो बनता है, एक्सटेंशन क्योंकि देना पड़ेगा, सिटी के अंदर कमी पड़ रही है, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन दे देता हूँ। और ये देखो भाई एक्सटेंशन कितना गजब है, बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग आ जाएगी, नाइस, ठीक है ना। थोड़ी फ्लोर एक्सपेंड हो गया अपना, और यहाँ पे 1200 की कैपेसिटी अपने पास हो चुकी है, तो अभी यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने आ सकते हैं। बाकी मेट्रो अपन ने यहाँ पे दी हुई है, तो जहाँ से भी आना भाई वो आ सकते हैं, तीन स्टेशन, एक दो और तीन स्टेशन है, ठीक है। बाकी बसेज वगैरह तो अपनी यहाँ पे चली रही है। जो रोड्स हैं ना थोड़े डिफरेंट दिख रहे होंगे, ठीक है ना, कलर्स वगैरह, तो इसके लिए मैंने एक मोड इंस्टॉल करा है, मतलब रोड्स व्यूवर करके, तो उससे टेक्सचर वगैरह चेंज हो जाता है, ठीक है ना, एंड नॉर्मल जो रोड्स उनकी मार्किंग वगैरह निकल जाती हैं, तो देखने में लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सीमेंटेड रोड ऐसे ही बनाकर रखा हुआ है, ठीक है ना, प्रॉपर मार्किंग वगैरह नहीं है जैसे लो रेजिडेंशियल हाउसिंग वगैरह है वहाँ पे। बाकी बड़ी वाली रोड्स है उनके अंदर टेक्सचर वगैरह चेंज हो जाता है, ठीक है ना, तो मेरे को देखने में काफ़ी कूल लग रहा है, तो मैंने इंस्टॉल कर लिया। तीसरा, मैंने एक और मोड इंस्टॉल किया है जिसका नाम है रीकलर करके, तो अपन बिल्डिंगों को भी रीकलर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस बिल्डिंग का ही जो छत का ही चेंज कर दे, थोड़ा वुडन टाइप दिख रहा है अभी, ठीक है ना, यहाँ पे जाके इस कलर चेंज कर दे सेंटर वाला, ठीक है ना। लेफ्ट वाला कंप्लीट बिल्डिंग का कलर होता है, सेंटर वाला छतों का, या फिर जैसे यहाँ पे एक छत सी बनी हुई है इसके ऊपर फ्लोर जिसको अपन बोल सकते हैं छत वाला, उसका कलर चेंज होता है। और थर्ड वाला है जो स्पेशल डिजाइंस होते हैं, जैसे इसकी ये लाइनें हो गई या फिर इस बिल्डिंग की ये वाली बालकनीज वगैरह हो गई, उन सब का, ठीक है ना, तीन तरह से बनाया गया है, तो तीनों का अपन कलर डिसाइड कर सकते हैं, तो ये मेरे को काफ़ी ऑसम लगा। और भी बहुत सारे सिटी स्काइलाइन के अंदर ना बग फिक्सेस वगैरह वो सब हुए, कुछ एक मोड्स काम नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, चल रहा है भाई अभी। बाकी नेक्स्ट वीक से कॉन्टेंट जो पैक है, मतलब रीजन पैक्स, वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो देखते हैं कितना मजा आता है उनको खेलने में, कैसे पैक्स आने वाले, ठीक है ना, वो सब डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैंने भाई एक बिल्डिंग को तो भाई एक्सटेंशन मतलब अपने दे दिया है, ठीक है ना। अभी चलते हैं यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल पे, तो यहाँ पे भी भाई कंप्लीट है फिर कैपेसिटी, तो यहाँ पे भी गाइस अपने को चाहिए स्टूडेंट कैपेसिटी 500 और, तो यहाँ पे 2000 कर दिए मैंने। साथ साथ अब इससे ज़्यादा तुम्हारा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे कोर्ट यार्ड प्ले ग्राउंड भी यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, ये वाली बिल्डिंग के पीछे बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये इसके पीछे में देख रहे हो चेंज हो रहा है, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है ना। फुल एक्सटेंशन देते भाई लोगों को, मतलब इन्जॉय कर रहे थे सारी सर्विसेज, ठीक है ना, ऐसे वैसे तो बनते रहेंगे भाई अपनी सिटी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हुई अपनी दो बिल्डिंग्स अपग्रेड, अभी चलते हैं भाई थोड़ा आगे और देखते हैं यहाँ पे अपन क्या कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे तो खैर मैं इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 600 की लिमिट हो चुकी है, ठीक है ना, इस साइड में। तो देखो भाई 600 वहाँ पे और 2000 यहाँ पे,
2600 कैपेसिटी मैंने यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। बट गाइज इस साइड में अपन ने कुछ भी एक्सपेंड नहीं करा हुआ, ठीक है ना, स्कूल टाइप एंड देन वो सब, तो वो सब अपने को यहाँ पे चाहिए। एक स्कूल यहाँ पे खुलवाते हैं, चलो एजुकेशन पे चलते देखते जरा क्या क्या सीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल अपने पास तीन तरह के एलिमेंट्री स्कूल है, ठीक है, फिर हाई स्कूल आ जाता है। तो मैं जा रहा हूँ एक एलिमेंट्री स्कूल और बनवाने के लिए, और ये वाले एलिमेंट्री स्कूल में एकदम फ्रंट पे बनवा देता हूँ, इधर वाटर फ्रंट पे, इधर से थोड़ा इंजॉय करते रहेंगे यार छोटे बच्चे, ठीक है ना। एंड ऑल्सो 1500 का फिलहाल ये रखता हूँ मैं, ठीक है ना, प्लस कोर्ट यार्ड का ये जरूर दे देता हूँ यहाँ पे एक्सटेंशन, ताकि प्लेग्राउंड वगैरह टाइप थोड़ा आ जाए यहाँ पे। सो ये वाला सीन मैंने एक्सपेंड कर दिया थोड़ा सा। अब मेरे को चाहिए भाई हाई स्कूल। अब मेरे को देखना ये कि हाई स्कूल मैंने कहाँ पे दी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब पे मेरे को दिखाना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ से चेंज हो रहा है, यहाँ से चेंज हो रहा है, राइट। ऐसा थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, ये वाला हाई स्कूल अपना चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। 859 कैपेसिटी अपने पास वहाँ पे हो चुकी है, लेकिन अभी चूंकि वो वाला हाई स्कूल थोड़ा दूर पड़ रहा है यार, वैसे वहाँ पे जा सकते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा दूर पड़ रहा है, तो उसके लिए अपन कुछ कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये वाले ब्लॉक के अंदर स्पेशली सर्विसेज वगैरह आ जाए ना तो ज़्यादा बेटर है। मैं देखता हूँ कितनी बड़ी बिल्डिंग है, और ये इसको अपन ला सकते हैं क्या संभव? नहीं, इसको अपन वहाँ पे नहीं ला सकते, लेकिन इस साइड में कहीं भी ला सकते हैं, जैसे हाई स्कूल यार पहाड़ के ऊपर बना दूंगा मैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ करेंगे थोड़ी देर में, राइट। बाकी अब मेरे को चलना है भाई ये साइड में ना, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं अपन सबसे पहले। तो मेरे को ना ये वाला एरिया को हाई डेंसिटी में कन्वर्ट करने है, क्योंकि अपने पास भाई बहुत सारी डिमांड्स है, और हाई डेंसिटी का भी अनलॉक हो गया, तो वाई नॉट चला जाए फिर हाई डेंसिटी पर, ठीक है। तो मैं डालने शुरू कर देता हूँ फिर मैं यहाँ पर, ठीक है ना, मैंने डाल दिया, और देखते कितनी जल्दी जो है ये सब कन्वर्ट हो जाता है हाई डेंसिटी में। मैंने अब डाला तो है, बट यहाँ पे बनेगा नहीं। सीन ये होता है कि जो नॉर्मल बिल्डिंग्स है ना, बहुत टाइम लग जाता है उनको रिमूव होने में, तो मैं यहाँ पे मैनुअल कर देता हूँ। लेट्स गो, एक बार पकड़ के सारा ब्लॉक उड़ा देता हूँ मैं, डन। एंड लेट्स सी, ये सारी बिल्डिंग यहाँ बन गई है। अब पीछे का अपन डिसाइड कर सकते हैं, साइड का छोटा ही रखना है या बड़ा वाला रखना है इधर, ठीक है ना, ये चीज़ अपन डिसाइड कर सकते हैं। बाकी एक सेकंड, वो पीछे एक साइड में अगर अपन छोटा रखेंगे तो मेरे को ये ब्लॉक्स चेंज करने पड़ेंगे फिर। और भाई ऐसा रखना है कि नहीं भाई हाई डेंसिटी चाहिए, बीच में से ट्रेन जा रही है अपनी निकलते हुए तो वो वाला सीन चाहिए, तो हाँ यार वो कर सकते हैं अपन, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। लो डेंसिटी का तो अपन कहीं पर बना देंगे, राइट। तो हाँ मेरे को ये करना पड़ेगा, तो करता हूँ मैं इन दोनों को डिलीट। हाई डेंसिटी में ये कितने का है गिल्ड, मेरे को देखना पड़ेगा। ओके गाइस, हाई डेंसिटी के यहाँ पे बिल्डिंग्स तो है, लेकिन वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पे है। अपने को एक्चुअली 3x4 ऐसा कुछ ले सकते हैं, मतलब 3x कर सकते हैं अपन ऐसा, राइट। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 3x, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे तो शो करेगा ना यहाँ पे, 3x3 का शो कर रहा है, ठीक है। तो चलो फिर एक काम करते हैं, ये तो कैंसिल हो जा। पीछे साइड ना मैं मैनुअली बनवाता हूँ बिल्डिंग्स, क्योंकि ये ज़्यादा छोटी बन रही है और मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल भी, तो ये कैंसिल कर दो। एक बिल्डिंग अपन ये वाले कॉर्नर पर रखते हैं, या फिर ये वाले कॉर्नर पे ना एक्चुअली मैं पार्क रख देता हूँ। और हाँ, मैंने ना कुछ एक ऑफलाइन मतलब क्या बोलते हैं मोड्स इंस्टॉल करे पार्क्स के अगर मेरे को कुछ बड़ा मिल गया तो भाई वो देखता हूँ, छोटे छोटे दिख रहे हैं तो सारे सारे इंस्टॉल तो मैंने काफ़ी सारे करे हैं भाई ये, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर छोटे छोटे ही, और ये रहा थोड़ा बड़ा वाला, चलो कोई बात नहीं, ये बना देते। अब मेरे को चाहिए था वापस से बिल्डिंग्स, तो यहाँ पे चलता और थोड़ी सी हाई डेंसिटी भी लेके आता ताकि इनका जो लेवल है वो थोड़ा अप आए, ठीक है ना। जैसे कि ये, हाँ ये ठीक लग रहा है मेरे को भाई, तो यहाँ पे चलते सबसे पहले, इधर बनाओ एक और ओवरलैप, ओई नहीं ओवरलैप कर दो भाई, क्योंकि तो डिजाइन बनेगा मस्त, ठीक है ना, लगेगा जैसे एक ही बिल्डिंग है, ओके गजब लगेगी। और एक यहाँ पे बना दो, तीन बिल्डिंग कंटिन्यूसली बना दी मैंने यहाँ पे, देखो भाई अभी जो डिज़ाइन बनाया ना वो मस्त बनाया है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है जैसे एक ही बिल्डिंग है, और फ्रंट से तो गजब लगेगी, नाइस। तो इसी तरह से अपने को एक्सपेंड करना है, और ये देखो यहाँ पे हाई डेंसिटी बिल्डिंग्स भी अपनी ओपन हो चुकी हैं, बढ़िया। तो इसी तरह से 1x1 करके मेरे को यहाँ पे सेट करने की है, 3x2, ओ नाइस। चलो ये वाले ले लेते हैं, फिर एक ये डाल दो, कोई बात नहीं, थोड़ा रेंडम रेंडम डाल देता हूँ, ठीक है। बट मेरे को चाहिए स्पेशली बड़ी बिल्डिंग्स, जैसे ये बिल्डिंग ये वाली चल जाएगी। ओके सो गाइज, मैं ये बना रहा था तब अपनी गेम हो गई क्रैश, तो मैंने वापस से भाई फिर से सब कुछ बना दिया है, तो क्योंकि अपडेट आने के बाद ना गेम बहुत बार 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 क्रैश हो रही, पता नहीं भाई कब फिक्स करेंगे ऐसा कि गेम क्रैश हो जाती बार बार। तो यहाँ पे मैंने वापस से लार्ज प्लेग्राउंड और अपना बास्केटबॉल कोर्ट मैंने बना दिया, प्लस डेकोरेशन यहाँ की कर दी मैंने, तो ये वाला एरिया भी काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है। और जो कस्टम बिल्डिंग्स थी वो मैंने यहाँ पे बना के एकदम रेडी कर दिया है। अभी जैसे ये वाली बिल्डिंग कॉर्नर पे है, तो चाहे तो अपन यहाँ कॉर्नर पर रख सकते हैं, बट छोटी बिल्डिंग रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से भाई ट्रेन के ट्रैक भी अपना जा रहा, तो इसको छोड़ सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये वाला एरिया हाई डेंसिटी में एकदम सही से जो है कन्वर्ट हो चुका है। अब कुछ स्पेशल करते हैं यार सिटी के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि अभी अपनी सिटी के अंदर पॉपुलेशन भाई ऑलमोस्ट 19,000 हो चुकी है, तो कुछ स्पेशल करने की बात है गाइज अब, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्पेशली ये वाला ब्लॉक ना प्ले ग्राउंड्स के लिए रखने वाला हूँ, यहाँ पे प्ले ग्राउंड्स बनने वाले अभी चल के,
तो मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले अपने को चाहिए भाई तो ये वाली रोड, तो इसको उठा लेता और ये वाली रोड को कर लेते गाइस स्ट्रेट लगभग यहाँ पे कहीं पर। ठीक है, फिलहाल के लिए बनी ये वाली रोड यहाँ पे डाल छोड़ दी और जो कि तिरछी बनी है थोड़ी सी, बट ठीक है जरूर नहीं है हर एक चीज़ स्ट्रेट ही बने भाई, थोड़ा रैंडम भी लगना चाहिए। ठीक है, अभी अपन चलते हैं थोड़ा सा कहाँ पे टूरिज्म वगैरह थोड़ा एक्सपेंड करवाते हैं, क्योंकि मेरे को होटल्स वगैरह वो सब भी ओपन करवाने के हैं। तो अपन चलते हैं गाइस पार्क्स पे, और यहाँ पे है भाई लार्ज स्पोर्ट प्लेग्राउंड्स। तो यहाँ पे हैं भाई अपने पास सोसर फील्ड्स एंड ये वाला अमेरिकन वाला फुटबॉल फील्ड, ठीक है ना, ये दोनों बिल्डिंग्स बना रही मेरे को, इधर डाल के देखते हैं। तो यहाँ मैंने ये वाली बिल्डिंग डाल दी है जो कि काफ़ी ऑसम रहेगा, क्योंकि पास में ही अपने पास अपना जो है मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ पे अपना ये वाला स्टेडियम हो जाएगा। उसके बाद में जे वाले के अंदर यार ये फीचर नहीं है कि मैं यहाँ से सीधा यू नो इसको पकड़ के इसके अंदर कनेक्ट कर सकूँ, राइट, ऐसा है क्या कुछ? अगर ऐसा है तो फिर ये होना चाहिए समथिंग लाइक दिस, पता नहीं इसके ऊपर से बंदे आ जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे को ये कनेक्शन नहीं देना स्पेशली यहाँ पे, बस बंदे क्रॉस करवाने, बट वो अपन आगे चल के देख लेंगे होते हैं कि भी कि नहीं। बाकी मैंने डाल दिया है, लेट्स गो। अभी एज वाली नहीं, ये इतनी तो नहीं चाहिए मेरे को, एज वाला रोड चाहिए मेरे को ये वाला, इसको पकड़ के लेके चलते हैं आगे साइड में, ठीक है, और ये लगभग यहाँ पे जा रहा है, ठीक है यहाँ बना दो। तो ये वाला मैंने लिटिल बिट यहाँ पे एक्सपेंड कर लिया है, और बाकी भी यहाँ पे ट्रीज वगैरह आ जाएंगे। तो मेरे को क्या करना है ना, यहाँ पे स्पेशली वो दूसरा वाला भी देना है स्टेडियम, ठीक है, उधर भी अपन चलते हैं, और सोसर फील्ड वाला। अब ये वाली बिल्डिंग वहाँ पे राइट, इतनी बड़ी, तो मेरे को एक चीज़ और टेस्ट करनी, यहाँ पे देखो ये बिल्डिंग आ रही है राइट, लेकिन अपन चाहे तो इसको ना इस साइड से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अपोजिट साइड से भी रख सकते हैं, दोनों साइड से रख सकते हैं वैसे, बट कोई बात नहीं, चलो इस साइड रख लेता हूँ। वैसे मेरा प्लान तो था कि भाई अंदर ही साइड से अपन दे, ठीक है ना, वैसे वो प्लान ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से, अंदर की साइड वाला। ओके, मैं इसको थोड़ा सेपरेट रखने वाला हूँ इधर तक, एकदम एंड तक लेके जाकर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्पेशली थोड़ा पार्किंग टाइप वो सब भी देना है, तो इसको अपोजिट घुमाने का भी, रोटेट करने का इस साइड में लाइक दिस। तो अभी ये काफ़ी बेटर लग रहा है, क्योंकि रोड के साइड में ना वो थोड़ा जो साइड का है ना वो ठीक नहीं लग रहा था रास्ता, ये वाला ठीक लग रहा है यहाँ से, लेट्स गो। अभी यहाँ पे चलते और इधर के लिए स्पेशली पार्किंग्स वगैरह राइट वो सब अपने को देनी है, प्लस ये वाले कॉर्नर पे यू नो अपने को ट्रीज वगैरह वो सब भी मेरे को फिल करने के यहाँ पे। तो मैं फटाफट जाता हूँ, और जो कि मेरी फेवरेट ट्री है भाई ये वाली, तो मैं ये वाली ट्री यहाँ पे फिल कर देगा, ठीक है, विदाउट एनर्जी की आ चुकी है यहाँ पे, तो अच्छी बात है। बाकी एक कॉर्नर भी और लगाऊंगा मैं यहाँ पे एनर्जी देके, दैट्स इट। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पे ना काफ़ी सारे टूरिस्ट आने वाले, ओके, तो उन सब के लिए थोड़ा विजिटिंग के लिए वो सब यू नो या पार्किंग्स वगैरह, ठीक है ना, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ इस साइड में, ताकि जो है बंदे ऑलवेज इस साइड से आए, ठीक है ना, वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेंज करा है, बट डोंट वरी डायरेक्ट यहाँ पे आने के लिए मैं वो चेंज करूँगा, बट मेरे को ये देखना था ये वाला बंदा किधर से आया, ध्यान नहीं दिया मैंने पहले, शायद उस साइड से आ रहे, ठीक है अभी थोड़ी देर में करते जो गार्ड। ये वाले एरिया को ना एकदम सही से मेरे को स्पेशल इसी के लिए चाहिए ये वाला एरिया, फिर आगे अपन हाई डेंसिटी वगैरह वो सब एक्सपेंड करेंगे। तो जैसे भी अपने पास काफ़ी सारे डिमांड्स है, तो वैसे तो अपन डिजाइन करते जाएंगे, बट मैं फिर भी चल के यहाँ पे बिल्डिंग्स डाल देता हूँ हाई डेंसिटी वाली, ये तो ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग्स अपनी हाई डेंसिटी वाली बन जाएंगी, डन करो भाई इधर बना, क्योंकि वैसे भी ये सब हाई डेंसिटी जाने वाला इधर सब कुछ। चलो इतना डन हुआ भाई, धीरे धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ एक्सपेंड करने का सिटी को। बाकी चलते पार्किंग्स पे, और ये वाली पार्किंग क्या आ जाएगी यहाँ पे, कितनी बड़ी पार्किंग है ये, और ये वाली पार्किंग यहाँ पे आ जाती तो ज़्यादा बेटर होता वैसे, बाकी देखते हैं। चलो फिलहाल मैंने ये वाली बिल्डिंग यहाँ पे डाल दी है, ओके, तो वैसे इस साइड में काफ़ी जगह है अपने पास, ओके, तो मैंने इसको यहाँ तक लगभग पुश कर दिया है रोड के ऊपर तक। वैसे सब यहाँ पे आ जा सकते हैं, कुछ यहाँ पे ग्लिच वगैरह नहीं करेगा, ठीक है ना, एंड यहाँ पे अपनी पार्किंग मस्त चल जाएगी राइट, ऑल्सो इधर रोड के इधर कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाला इसके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे इसी का पार्किंग है, बस ये वाली ट्री गड़बड़ कर रही थोड़ी सी, है ना, तो ये जो इसके ऊपर आ रहा है ना, तो ये वाली ट्री ठीक नहीं लगेंगी, तो मेरे को ये निकालने की ओनली, ये थोड़ा वियर्ड लगेगा, ठीक है ना, अभी ये ठीक लग रहा है, चलो एंड वापस इसको हटा देते हैं, डन। ये देखो गाइस अब ये वाला एरिया अपना रेडी हो गया है, बाकी यहाँ पे पार्किंग भी मैंने अनेबल कर दी है, और यहाँ पे पार्क भी कर सकते बंदे। बाकी रही बात यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा
ग्रीन ग्रीन सा होना चाहिए सब कुछ। तो लेट्स गो, क्योंकि भाई ये प्लेग्राउंड वगैरह टाइप है यहाँ पे, तो अपने को सब कुछ यहाँ पे ट्रीज वगैरह वो सब लगानी पड़ेंगी सही से। लेट्स गो, ऑल्सो इधर भी लगाओ, इधर भी पार्क नहीं करना, ठीक है, डन। ये काम होना बढ़िया। तो यहाँ पे जिनको भी आना है घूमने के लिए सीधा आएंगे यहाँ पे पार्क करेंगे इधर, एंड देन ऑसम। लेकिन अभी सीन यहाँ पे ये भी है गाइस कि इस साइड के बंदे आएंगे कैसे, राइट, उनके लिए अपने को जुगाड़ बनाना पड़ेगा। तो वो मोड का यूज करके अपन यहाँ पे करेंगे, यहाँ से अपन पाथ निकाल के इसके अंदर कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, वो चीज़ अपने को यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो जस्ट गिव मी सेकंड, एंड साथ साथ यहाँ से भी अपन ऐसा कर सकते हैं कि इधर से एक रास्ता चढ़ा के और यहाँ से भी निकाल के ला सकते इस साइड में, ताकि डायरेक्ट लोग सीधा स्टेशन पर जा सके। उसके लिए मेरे को सेट करने का है, तो वो सब करते हैं अभी चल के। यहाँ भी चलते हैं, और यह है स्मॉल पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। इसका कनेक्शन कहाँ पे था, बाहर था, यहाँ से मैं क्रॉस करवा पा रहा हूँ, ठीक है, देख सर। इसको मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ सेट करने का। ओके, वैसे एक और आइडिया आया मेरे को, नॉर्मल बात के बजाय मैं बड़े वाला रोड ही बना दूँ तो कैसा रहेगा, मतलब ये पेडेस्ट्रियन वाला ही, जो कि अपने स्मॉल वाला है, स्मॉल वाला ही बना दे तो कैसा रहेगा। लिटरली भाई, जस्ट अभी मेरे को आइडिया आया, ये क्या अपने को ये बनाना चाहिए, एक सेकंड ट्राई कर लेते जरा, तू यहाँ दे लेते हैं और इसको लेके चलते हैं। कितना 7.5 चाहिए अपने को ये, तो इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको चेंज नहीं करता मैं, यहीं से चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, 7.5, यस दिस इज़ गुड। एंड ऑल्सो ये 90 है, ऑल्सो एनर्जी नहीं है, एनर्जी हटा लेते अपन, यहाँ पे ले लेते हैं इसको, ठीक है। एंड चाहे तो यहाँ से फिर आगे डाउन भी अपन जा सकते हैं और इधर की साइड में भी आ सकते हैं, एकदम हाइट हाइट पर, दिस इज ऑल्सो गुड, ठीक है। 7.5 हाइट अपन ने ली हुई है, और ये देखो भाई, बट यहाँ पे वॉल बन रही है, ओके, तो यू नो व्यू ख़राब हो जाएगा फिर थोड़ा, तो अपने को हाइट तो यहाँ यहाँ पे चाहिए, बाकी डाउन कर लेते फिर ऐसा करते हैं। एंड स्पेशली फिर इस साइड के ना ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अपन कैंसिल कर देंगे, कि यहाँ से कोई क्रॉस नहीं करेगा भाई, ओके, तो यहाँ से कहीं से घुमा के अपन कनेक्ट करेंगे, ताकि ये एटलीस्ट ये फ्रंट वाला वो लोग अपना खाली रहे। तो चलो, जैसे जैसे आइडिया आ रहे हैं भाई, अपन उसी हिसाब से थोड़ा इंप्रूव करते जाएंगे धीरे धीरे करके। ओके गाइस, जैसे ही मैं यहाँ पे ये बिल्ड कर रहा था, गेम हो गई फिर से क्रैश, और भाई ये बार बार हो जा रही है क्रैश। तो भाई अपन कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो चलो भाई फिर से बना लेते हैं। लेकिन भाई ये क्यों अपग्रेड क्यों करना है तेरे को, लेकिन भाई तो मैं ऐसा करता हूँ कि इधर ना एक सेक्शन डाल देता हूँ, तो मेरे को ये सब वापस से सेट करना पड़ेगा। ओके, 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री पे मैं इसको लेके जाता हूँ, ये सब हटा कर, ठीक है, इस साइड में, ताकि यहाँ पे एक नोड क्रिएट हो जाए, और अब देखते हैं दोनों साइड में ये बना के, ठीक है ना, स्टेप बाई स्टेप चलना पड़ेगा भाई। ये लो, ये चीज़ फाइनली फिक्स हो गई है भाई, फाइनली, थैंक यू सो मच। तो ये चीज़ अपनी यहाँ पर डन हो चुकी है, बाकी 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 मेरे को अब ये यहाँ से भी करने का, ठीक है, स्ट्रेट, जो कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे अपना ट्रैक आ जा रहा है, ठीक है, और वैसे तो इंस्टेंट डाउन पता नहीं ठीक है कि नहीं, बट कोई बात नहीं, यहाँ से कर दिया है मैंने, ठीक है ना, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे अपन लेफ्ट राइट करने को। ओके, तो देखो यहाँ से अपनी रोड्स जो है बन चुकी हैं, और वैसे मेरे को ना अभी जस्ट रिसेंटली एक आइडिया और आया था कि ये वाला जो पाथ मैं बना रहा हूँ, अगर मैं इसके सेपरेट बनाऊँ यहाँ पे, तो देखो मैं तुमको दिखा देता हूँ एक बार बना के, ठीक है ना, तो कैसा दिखेगा तो डिसाइड कर लेना, ठीक है ना। स्नैप को बिल्डिंग्स कर लेते हैं यहाँ पे, ये वाला स्नैप करके अपन ये दोनों हटा दो, और यहाँ पर, ठीक है, ये वाला थोड़ा बिल्डिंग के अंदर भी कनेक्ट हो जाएगा और देखने में कूल भी लगेगा। तो मैं सोच रहा था यार ऐसा भी अपन बना सकते हैं, तो ऐसा रखना है तो ऐसा बना लेते हैं मेरे हिसाब से, दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड, राइट, आफ्टर टू मैनी चेंजेस ये बन के रेडी है। अब अपने को ये वाला उस साइड में लेके जाना है, ठीक है ना, और थोड़ा सा यहाँ से लेके जाऊँगा मैं सेंटर सा, ठीक है, ओके। तो वैसे एक्चुअल में अपन ये टेक्निकली यूज कर सकते हैं वैसे ये वाला रास्ता नीचे वाला, ओके, अगर मैं ये मान लो यहाँ पे छोटी शॉप्स खोलनी है या फिर वो सब, वैसे मेरे खोले प्लान नहीं, क्योंकि मैंने छोटी वाली रोड बनाई है और इसके अंदर अपन बिल्डिंग्स नहीं बना सकते हैं। अगर अपने को यहाँ पे स्पेशली बिल्डिंग बनानी है तो फिर इस तरह की रोड चाहिए, और फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वैसे स्पेस नहीं बचेगा, बट जैसे आपको कोरन में स्पेस बचा हुआ है, ठीक है, इस तरह का स्पेस यूज करना है, तो
बाकी 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 मैं फिलहाल यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी कि कैसे जाता है फिर ये आगे। तो मैं जा रहा हूँ इधर, डी से बटा दो, ये बटा दो। तो थोड़ा एक्सपेंड करके मेरे को ये सेंटर चाहिए इधर का, लगभग यहाँ पे। ओके एंड इसको ले आते हैं इधर, वापस से ये रोड भी आएंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे इसके अंदर। दिस इज गुड आई थिंक। अगर इसके वैसे इसके नीचे, वैसे मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है, मैंने कभी ट्राई नहीं करा। इसके नीचे बन सकती है शॉप, मेरे को ये देखना है। इसके नीचे तो इतना स्पेस नज़र नहीं आ रहा भाई। वैसे मैं मैन वाली छोटी बिल्डिंग अगर मैं लगा दूँ यहाँ पर तो कैसी लगेगी, क्योंकि ये बड़ी वाली रोड है ना यहाँ पर। ओ भाई, मतलब प्लेटफॉर्म के नीचे यू नो शॉप्स लगी हुई है, राइट। हाँ, लेट्स ट्राई गाइस, लेट्स ट्राई। ओके देखते हैं, ट्राई कर देखते हैं, लेट्स गो, शॉप्स पे चलते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं तो मेरे को चाहिए भाई वन बाई वन, हो सके तो वन बाई वन, बस है ही नहीं वन बाई वन। वन बाई टू होगा, थ्री होगा, फोर नहीं, टू बाई वन नहीं है, टू बाई टू से स्टार्टेड है सारी सारी शॉप। तो मतलब ये मैं बना सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। आई नो पेट्रोल पंप तो वैसे टेक्निकली ठीक नहीं लगेगा यहाँ पे, ये वाली ज़्यादा बड़ी हो रही भाई। छोटी चाहिए, छोटी कमर्शियल, नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी चाहिए। ओके कमर्शियल मोटल्स। अच्छा, ये नई बिल्डिंग्स आई है क्या भाई, पहले तो नहीं देखी मैंने ये वाली बिल्डिंग्स। नई बिल्डिंग्स ऐड करी शायद उन्होंने, ये होटल्स वगैरह, राइट। ओ हाँ, स्टेशन के नीचे ही होटल मिल जाएगा भाई, कैसा रहेगा, स्टेशन के नीचे ही होटल। डूड आइडिया तो हो जाएगा वैसे, बट कुछ छोटा दो यार। हाँ, जैसे ये वाली बिल्डिंग हो गई है, ठीक है, इस तरह की बिल्डिंग डाल देता हूँ मैं नीचे साइड में, ठीक है, मस्त लग रही है मेरे को। तो एनर्जी लगा के मेरे को ये ट्राई करनी है भाई। ओके लेट्स गो, तो पकड़ ले गया थोड़ा इधर। ठीक है डन। वैसे अलग से मैंने यहाँ बिल्डिंग डाल दी, ठीक है ना, यहाँ पे लोग शॉपिंग कर सकते हैं बाहर, ठीक है। तो चलते हैं ज़रा, और ये वाला रास्ते भी मेरे कंप्लीट करके आनी है एक्चुअली, नीचे नीचे साइड में। तो देखते हैं, अभी मैं था कहाँ पे, यहाँ पे कहीं था ना मैं। ओके लो डेंसिटी वाला, एक काम करो नेक्स्ट बिल्डिंग ये डाल दो, नेक्स्ट बिल्डिंग इधर ये डाल दो, इस साइड में डालना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो फिर वो कवरेज नहीं रह पाएगी इसकी, ठीक है। सेम टू सेम इस साइड में भी अपन ऐसे ही करेंगे, ग्रेट। लेट्स सी, टू बाई टू की बिल्डिंग्स है सारी सारी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओ नाइस, रैंडम रैंडम आए हैं भाई, नाइस नाइस नाइस। छोटे छोटे शॉप से नीचे आके लोग शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं शॉपिंग का, ठीक है। प्लस इसको डिलीट करो, एंड अगर मैं यहाँ पे छोटी सी वो डाल दूँ, क्या बोलते हैं उसको, पार्किंग। ओके ये वाला आ रहा है वैसे, बाइक की पार्किंग आ रही है भाई साइड में। वैसे आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ओके यस, बाइक तो आई है, स्कूटर तो आया यार। ये स्कूटर वाले को थोड़ा और लंबा कर दो भाई अपग्रेड, एक सेकेंड, ताकि ज़्यादा स्कूटर्स आ सकें, है ना, राइट। दिस इज़ ए गुड आइडिया भाई। तो एक गाड़ी लेके घूम रहा है बंदा यहाँ पर। ओके देखते, धीरे धीरे हलचल बढ़ती है ना यहाँ पर, तो वो सब देखेंगे थोड़ी देर में अपन। हाँ तो अपन इधर आ जाते हैं। मेरे को ना इस साइड में लेके जाना ना, मैंने बोला था कि भाई इस साइड में भी जाना ज़रूरी है, तो उस साइड के लिए और अपन सेट कर लेते हैं। राइट, देखो यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे आ रहे जा रहे, पार्क कर रहे हैं गाड़ियाँ, मस्त मस्त सीन चल रहा है। अब मान लो यहाँ पार्क करके सीधा इधर भी आ सकते हो, तो 10 नहीं 7.5, ठीक है, मेरे हिसाब से 7.5 इज ए गुड हाइट। एनर्ट लगा लेते हैं इधर से, ठीक है, और डायरेक्ट इधर को डन। अब आ जाते हैं नॉर्मल पे, और इधर से उठा के सीधा जीरो लाएंगे इसको। तो ये देखो, यहाँ से मैंने ऊपर के लिए यहाँ से दे दिया रास्ता, अब अपने को यहाँ पे दोनों साइड में नीचे उतारना। लेट्स गो, ठीक है, थोड़ा सीन क्रिएट करते भाई ऐसे थोड़ी। मेरे को यहाँ पे एनर्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है, और इसको ले लेते हैं डायरेक्ट इधर एंड डन। चल एक रास्ता यहाँ पे बन गया, ठीक है। वैसे तो वो वाला भी रख सकते हैं अपन,
फूल लगेगा, और चाहे तो इस साइड में उतार सकते हैं इसको। और इस साइड में उतारने के लिए मैं ऐसा करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा फर्दर लेके आता हूँ आगे। तो इसके लिए अपने को फिर से हाइट चाहिए 7.5, और हाँ एनर्जी तो चाहिए चाहिए, क्योंकि वो मैंने एनर्जी लगा के बनाया था वहाँ पर। तो मैं इसको बना देता हूँ लगभग यहाँ पर, फिर नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं और अब आ जाते हैं एकदम जीरो पर। ये हो गया जीरो, नाइस, एंड देन कनेक्ट। ठीक है, चलो भाई एक सेक्शन बनाया तो मैंने यहाँ पे लोगों के लिए आने जाने के लिए। ठीक है, देखते हैं इधर का कौन कौन यूज करता है भाई, कौन है बंदा वो जो यहाँ का यूज करने वाला है। बाकी वो तभी यूज करेंगे तब यहाँ पे थोड़ा सीन सेट होएगा। यहाँ से कनेक्ट घटा बना सकता हूँ मैं, हाँ इधर का थोड़ा सीन सेट करते हैं। और ये वाला जो पाथ है ना, इसको भी मैं फर्दर लेके आता हूँ आगे साइड में, थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, आओ भाई ज़रा ये वाले रास्ते को और कनेक्ट कर दो ज़रा यहाँ पे, नाइस। ये लो भाई, अब मैंने उधर के लिए रास्ता बना दिया, तो डायरेक्ट उधर के साइड के बंदे इधर आ सकते हो। ओके, पर ये भी कनेक्ट करना होगा यहाँ से संभव। यहाँ पे चलते हैं और इसको इधर कनेक्ट कर देते हैं, एंड इस साइड से अगर किसी को चढ़ना है, इसके ऊपर जाना है। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा लंबा रास्ता हो जाएगा। ठीक है, लोगों के लिए पहले बता देता हूँ भाई, तो ये हटाओ। ठीक है, और इसको यहाँ पे ला के कनेक्ट करो। ठीक है ना, इस साइड से अगर किसी को जाना है तो ये जाओ, और लेफ्ट राइट ये सब कैंसिल करो, क्योंकि यहाँ पर ना ट्रैफिक जाम लग जाता है भाई। ओके, तो मैं हटा रहा हूँ भाई, क्रॉसिंग्स हटा दो, ये वाली क्रॉसिंग हटा दो, सामने वाली क्रॉसिंग हटा दो, दोनों साइड क्रॉसिंग हटा दी मैंने, एंड लेफ्ट राइट क्रॉस कर सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात जो है नहीं, क्योंकि उधर भी जाना है अपने को। लेफ्ट कोई बंदा जा रहा है बट पता नहीं जाएगा। ओह हाँ, जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे भाई, देखो ये बंदे आ रहे इधर से। ठीक है, तो चलो ये इतना सीन मैंने सेट यहाँ पे करा है। अब अपने को नेक्स्ट यहाँ पे प्लान करना है आगे के लिए। ठीक है ना, और यहाँ पे हर्सेस वगैरह की दिक्कत आ रही, थोड़ी वेटिंग फॉर हर्सेस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रस आवर चल रहा है गाइस। ओके, इसलिए थोड़ा जाम लग रहा है कुछ ज़्यादा ही, उतना ज़्यादा जाम लगना नहीं चाहिए था वैसे देखा जाए तो। क्रॉसिंग के लिए मैंने दूसरा रास्ता दिया, लोगों को थोड़ा लंबा ट्रैवल मतलब करना पड़ेगा। ये भी हटा दो एक काम पर फिर। ठीक है, ये वाला रख लेते हैं, लेट्स सी। अभी थोड़ा और ठीक होना चाहिए भाई ये, अभी तो रफ्तार फास्ट करो भाई अपनी। इधर से ये वाला ट्रैफिक किधर जा रहा है भाई, इधर की साइड में। ओके, इधर साइड में वैसे अलग लेवल सीन चल रहा है, स्ट्रेट और लेफ्ट। ठीक है, तो दोनों साइड से ट्रैफिक आ जा सकता अपना। ओके, बस चाहे तो यहाँ पे अपन ट्रिपल लेन भी कर सकते हैं। ओके, ट्रिपल लेन ना, क्योंकि शायद ये वाले सेक्शन में गाड़ियाँ खड़ा करना उतना सही नहीं है, तो यहाँ पे ही बन सकता है वैसे ट्रिपल लेन वाला। ओके हाँ यार, ये रख लेता हूँ मैं, फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सपेंड कर देगा। ओके, दिस इज गुड, लेट्स गो। एनर्जी लगा के अपग्रेड डालो, इधर इधर भी अपग्रेड डालो, डन करो, ये अपग्रेड पे जाओ और सेंटर पे, सेंटर पे लगाओ इधर भी तभी। ओके, एंड ट्रीज लगा दो, अब दिखाओ भाई क्या सीन है। ठीक है, ट्रिपल लेन कर दिया मैं, अब मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा सही होना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैफिक होल्ड करवा सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो लेट्स सी। बाकी ये वाला मैं भी रख रहा हूँ क्रॉसिंग, देखते हैं, कोई नहीं, मैंने रख दिया वापस। आओ भाई दिखाओ। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कुछ अलग से मतलब ये वाले लेन कनेक्टर से कुछ नहीं लगाया हुआ था ना यहाँ पे, नहीं कुछ नहीं लगाया आपने यहाँ से लेन कनेक्टर से, ये ठीक है। इस लेन कनेक्टर से अपन यहाँ पे चल के चेंज ही कर सकते हैं, जैसे यू टर्न्स और अनसेफ ये सब हटा दो, बाकी डिफॉल्ट रखो सब। ठीक है, कैंसल, ताकि यहाँ से कोई ऐसा ना बंदा यहाँ से आए और घूम के वापस चला जाए इस तरह से। डन, अभी आई थिंक दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी कम हो जानी चाहिए दिक्कत। अच्छा, ट्रैफिक थोड़ा इधर उधर हो गया, क्योंकि इनको एक दूसरे लेन घुस रहे हैं भाई। हाँ, लेट्स गो, तब तक फास्ट करता हूँ मैं, देखते हैं कि ये वाला ट्रैफिक कितनी देर में फिक्स हो जाता है। ओके, लेट्स सी, चलो देखते हैं।
ओके गाइस, तो यहाँ का ट्रैफिक जो है मोस्टली खत्म हो गया है। पर मेरे को ना एक चीज़ लगी यहाँ पे कि मेरे को ना यहाँ पे ट्रैफिक लाइट दे दी मैंने यहाँ पे, क्योंकि कई बार ट्रैफिक क्या करता है आके और बीच में खड़ा हो जाता है रास्ता ब्लॉक करके। मैंने तो ट्रैफिक लाइट दे दिया ताकि लोग तरीके से चल के आए। और दूसरा, एक तो ना कुछ ज़्यादा जल्दी होती गाड़ी को डिस्पोन होने की, वो थोड़ा सा ज़्यादा वेट नहीं करते। अगर उनको लगता है कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो गाड़ी डिस्पोन हो जाती है, जो कि मेरे को लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा उनको चेंज करना चाहिए ये वाली चीज़, क्योंकि यहाँ पे इवन यहाँ तक ही गाड़ियाँ हैं, बट ठीक है पीछे जाम ही नहीं है, यहाँ तक गाड़ी खड़ी, लेकिन ये वाले डिस्पन हो गए स्वभाव। तो लोल ये थोड़ा अजीब लगा यार मेरे को, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है अभी हुआ है तो। और यहाँ भी काफ़ी लंबा पंगा चल रहा है, लोग इधर उधर घुस चुके भाई लाइनों में, चलो निकल जाएगी। ओके सो हमें क्या करने वाला होगा, देखो आज का एपिसोड वैसे अपना काफ़ी बड़ा हो गया और स्टेशन का लगभग अपन ने मैनेजमेंट सेट कर दिया है। आगे चल के मेरा जो प्लान है वो ये है कि जैसे यहाँ पे थोड़ा मीडियम डेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पे हाई डेंसिटी है, तो बेसिकली ये वाला एरिया हाई डेंसिटी का रखने का प्लान है। इतना ये वाला रोड इस साइड का हाई डेंसिटी है ना, तो लगभग यहाँ से भी अपन एक रोड दे देंगे, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा ये कंप्लीट हाई डेंसिटी। तो फिर इसके ऊपर हाई स्कूल वगैरह बनाने का प्लान है मेरा, इसके ऊपर हाई स्कूल बनाने का, ठीक है, देखते हैं किस तरह से बनाते हैं वो, फिर वापस से मीडियम डेंसिटी आ जाएंगे इधर। तो बीच वाला सेक्शन हाई डेंसिटी में काफ़ी कूल लगेगा, एंड पार्क्स वगैरह वो सब मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बना दिए। आई होप ये चीज़ें सही से काम करें, ठीक है। एंड ये देखो भाई यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, बाकी अट्रैक्टिवनेस वगैरह वो सब दिखाता है, लेकिन ये नहीं दिखाता है भाई कितने टूरिस्ट यहाँ पे आए गए वो सब, ठीक है ना, वो सब नहीं दिखाता है यहाँ पे। तो जाते जाते यार एक काम और करना चाहिए अपने को कि इंटरनेट सर्विस मैंने क्या दी हुई है, मेरे को याद नहीं है इंटरनेट सर्विस का मैंने दी हुई है कि नहीं, ठीक है, लेट मी सी, वहाँ पे दी हुई है जो कि ये वाले एरिया के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे इंटरनेट सर्विस और देनी चाहिए अपने को। तो मैं एक काम करता हूँ, इंटरनेट सर्विस अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो कैसा रहेगा इसके इधर ही, क्योंकि ये वाली जगह यहाँ पे पड़ी हुई है और इंटरनेट सर्विस आई थिंक यहाँ पे चल जाएगी, स्टेशन के बाजू में पड़ी रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे चल जाएगा। बस यहाँ पे एक ही टास्क बचा है और वो है ट्रिज लगाने का, तो मैं फटाफट से ट्रिज लगा देता हूँ, उसके बाद अपन करने वाले एपिसोड का एंड, क्योंकि एपिसोड अपना हो चुका है काफ़ी काफ़ी बड़ा। ओके तो यहाँ पे एनर्जी लगा के मैं फटाफट से, ओके गाइस, तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रीज जो अपनी फिल हो चुकी हैं, अभी देखते हैं चल के, देखो ठीक है, यहाँ पे ट्रीज फिल करने के बाद में ये वाला एरिया कंप्लीट ग्रीन ग्रीन सा अपना हो गया, जबकि हम शैडो पड़ रहे, पता नहीं सही दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन अभी पहले से काफ़ी बेटर दिख रहा है, क्योंकि खाली खाली एरिया में फिर ठीक नहीं लगता। तो ये देखो भाई यहाँ पे काफ़ी ऑसम सीन अपना सेट हो चुका है। तो आई होप गाइस आपको आज का अपना ये एपिसोड आया होगा पसंद, और भाई पसंद आया तो जाते जाते इसके ऊपर ये डाल देते हैं, और तुमको पता है अभी तक लाइक नहीं करा तो कर देना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, फिर अपन एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल दे दिए, हाई स्कूल और कॉलेज नेक्स्ट टाइम यहाँ पे अपन बनाएंगे, और ट्राई करेंगे कि ये वाला ब्लॉक अपन रेडी कर दें नेक्स्ट टाइम हाई डेंसिटी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन हाई डेंसिटी के लिए बिल्डिंग्स बनाएंगे, इसके बीच में से एक रास्ता निकालेंगे ये वाला कंप्लीट समथिंग लाइक दिस, एंड बीच में से एक आध कनेक्शन दे देंगे, ठीक है, तो काफ़ी गजब नेक्स्ट टाइम बन जाएगा। तो ये चीज़ें मैं नेक्स्ट टाइम के लिए रख रहा हूँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय गाइस।